महिला ने युवक के सिर से उतारा इश्क का भूत, थप्पड़ों और चप्पलों से सरेराह की धुनाई। फोन करके महिला को परेशान कर रहा था मनचला। महिलाओं को आमतौर पर परेशान करने पर यह उम्मीद कम ही होती है कि वे सार्वजनिक रूप से सामने आकर उनके साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध कर पाती है। कई बार महिलाएं ऐसा कर गुजरती हैं जिसकी उम्मीद भी किसी को नहीं होती है। ऐसा ही एक मामला कपासन में सामने आया, जहां महिला ने एक व्यक्ति द्वारा फोन किए जाने से परेशान होकर सरे रह युवक की आशिकी का भूत उतारते हुए जमकर युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। दरअसल चित्तौड़गढ़ क्षेत्र की रहने वाली एक महिला को रतनलाल भील नामक युवक बीते कुछ दिनों से फोन पर परेशान कर रहा था। ऐसे में महिला ने पुलिस में शिकायत करने और कानूनी झमेले से बचने के लिए कपासन बस स्टैंड पर मौजूद होने की बात कहकर युवक को बुलाया और आते ही थप्पड़ व चप्पलों से उसको पीटना शुरू कर दिया। एकाएक तो किसी को समझ में नहीं आया, बाद में माजराज समझ आने पर लोगों ने छुड़ाने की कवायद की। इसी बीच अपनी बाइक छोड़कर युवक मौके से भाग गया। हालांकि इस मामले में पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन सरेराह आशिकी का भूत उतारने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई और कानूनी झमेले के बजाय मौके पर ही मामला निपटाने की महिला की हिम्मत को लोग सराह रहे हैं। बहुत कम महिलाएं होती हैं जो ऐसी हिम्मत कर पाती हैं। टाइम 8 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से दीपक व्यास की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतज़ार बना है आपके कमेंट्स का।